अगर हमको इसका टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इन्फिनाइट सीरीज बनेगी एक टर्म दिया हुआ यूएन टर्म, तो सबसे पहली बात यह है कि हमको इसको कन्वर्जेंस के लिए भी पूरा फुल मौका देना होगा और डाइवर्जेंस का भी हमको इसको मौका दे के देखना होगा कि दोनों में कौन ज़्यादा सेटिस्फाइड है। तो फिर कन्वर्जेंसी के लिए फिर इस एक तो यूएन टर्म है और हमको वीएन से इसके कंपेरिजन कर सकते हैं, और वीएन भी वैसा लेंगे जो हमको पी सीरीज से मालूम है कि भी एन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। तो अगर हम इसको कन्वर्जेंसी का मौका दें तो 1/समथिंग लाना होगा ना, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, रूट से एन स्क्वायर बाहर निकल सकते हैं। अगर एन स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो फिर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आएगा, एन टू पावर फोर 1 + 1/n⁴ ऐसे लिख सकते हैं, माइनस रूट अंडर एन टू द पावर फोर माइनस 1/n⁴, 1 - 1 - 1 to the power 4 ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से फायदा यह है कि मेरा यूएन टर्म हम कन्वर्जेंसी के लिए इसको मौका एक दे सकते हैं। ऐसे ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि डाइवर्जेंस है, एक तो मौका देना होगा ना कन्वर्जेंसी के लिए, कन्वर्जेंसी के लिए। तो यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जो बचेगा 1 + 1/n⁴ इसका पावर में 1/2, ठीक है, इसमें एन स्क्वायर बाहर वापस आ जाएगा, फिर रूट इसके अंदर रहेगा तो वो 1/2 है, 1 - 1 - 1/n⁴, 1/2। अब इस सीरीज को एक्सपेंड करने के लिए कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मैकलोरिन टेलर सीरीज करने की जरूरत नहीं है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या है, उसके देखो पहला टर्म तो 1 है ही है, अब 1 का जितना भी पावर करें इससे कोई खास होगा बढ़ेगा नहीं, तो ये क्या बोलता है कि 1 + 1 to the power n है, सबसे पहले 1 to the power n होगा, फिर n-1 होगा, तो 1 1 ही रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में होता जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 1 / n⁴ to the power 0 होगा, है ना, लिख दें भैया उसको, हाँ लिख देते हैं, 1 to n n⁴ इसका टोटल पावर 0 होगा, प्लस जबकि यहाँ n में ये इसको भी n लेंगे और इसको पूरा टोटल में x लेते हैं ना, तब फिर मैनेज कर लेंगे उसको, ठीक है। इसको एक्सपेंशन करने के लिए फिर क्या होगा, n·n−1, एन एन क्या है, यहाँ पे एन है 1/2, 1/2, अभी अभी इस बार 1/2 ही आएगा, फिर बाद में n·n−1 होगा, 1/2, 1 1 तो 1 ही रहेगा, 1 / n⁴। और फिर बाद में बाद वाला टर्म बनेगा मेरा, प्लस में ही अभी लेते जाएंगे, n·n−1, एन क्या है यहाँ पे, एन है 1/2 n·n−1, n−1 क्या होगा, n·n−1 1/2 - 1, 1/2 - 1 मेरा -1/2 होगा, ठीक है। अब फिर n·n−1 और डिवाइडेड में, ये तो वहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल ही रहेगा, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल और 1/2 to the power 4 ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस n·n जो 1/2 n·n−1 इंटू n−2 बनाए 1/2 - 2 और x³ यानी कि 1 / n³ का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से सीरीज इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरा क्या आ जाएगा, अभी यू के बारे में बात नहीं कर रहे,
इस सीरीज को एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ क्या है, यहाँ तो वन ही आएगा प्लस वन बाई एन टू द पावर फोर, टू एन टू द पावर फोर होगा, यहाँ पर माइनस हो जा रहा है, देखिए माइनस वन बाई फोर हो जा रहा है, और ये इसके 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 नीचे भी तो वन है ना, इसके नीचे भी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस एक, तो ये दोनों एक मिला के चार हो रहा, और ये टू फैक्टोरियल का मतलब भी टू होता है, तो ये आठ हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसा ही ये उतर जाएगा, वन बाय एन टू द पावर एट लिख देते हैं इसको, प्लस ऐसे ही ये है जो दोनों चार, ये दो बार है तो ये प्लस होगा, और चार चार दोनों आठ, आठ हुआ, और ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, चौबीस हो जाएगा, चार चार दोनों, और यहाँ पे तो वन बाय टू माइनस टू है ना, तो ये टर्म मेरा कितना बनेगा, ये टर्म बन जाएगा वन बाय टू माइनस चार, टर्म बनेगा माइनस थ्री बाय टू, मल्टीप्लाई होगा वन बाय टू इंटू वन बाय टू, तो चार चौदह आठ माइनस थ्री बाय एट, और ये थ्री फैक्टोरियल इसके साथ ही मल्टी, एट के साथ मल्टीप्लाई होगा थ्री फैक्टोरियल, तो थ्री इंटू टू सोलो, थ्री फैक्ट, ये तीन तो कट जाएगा ना, यानी कि अर्धन सोलो माइनस वन बाय सोलो, माइनस माइनस दो बार है यहाँ पे, माइनस वन बाई टू है, उसीलिए एक बटा सोलो होगा, तो एक बटा सोलो वन बाई एन टू द पावर चैतिया बारह। अब हम सीरीज को देखने में पता चल रहा है कि इसका एक्सपेंशन क्या होगा, दो चार दो आठ सोलो क्या आएगा, फिर छोड़ो जो आएगा ये तो कट जाएगा, इसको एक्सपेंड करने से, अभी इस टर्म को एक्सपेंड अगर करेंगे हम, इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो ये भी ऐसे ही बनेगा, वन माइनस होगा यहाँ पे, और वन बाई टू टू द पावर एन फोर माइनस, माइनस होगा सब में माइनस ही होगा, फिर बनेगा वन बाई एट टू द पावर एट इंटू एन टू द पावर वन बाई एट इंटू एन टू द पावर एट माइनस वन बाई सिक्सटीन इंटू एन टू द पावर टू, ये इस टाइप से सीरीज जाएगा, ठीक है। अब वो जो गया गया, अब बात यह है कि इन दोनों का समेशन क्या होगा, लास्टली यू एन टर्म बनेगा मेरा, अगर एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर इन दोनों में से कम कॉमन आएगा ना, एन स्क्वायर को कॉमन ले लें, फिर हाँ ऊपर बनेगा वन प्लस वन बाई टू एन टू द पावर फोर माइनस वन बाई एट एन टू द पावर एट प्लस वन बाई सिक्सटीन एन टू द पावर ट्वेल्व, एक टर्म ये बना, और दोनों से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे, और माइनस में है ये टर्म, तो माइनस में बनेगा वन माइनस माइनस वन बाई टू एन टू द पावर फोर माइनस वन बाई एट एन टू द पावर एट माइनस वन बाई सिक्सटीन एन टू द पावर, ठीक है, इससे जाएगा सीरीज, माइनस करने से हमको पता लग रहा है कि ये कट जाएगा, कटेगा फिर ये भी कटेगा, ठीक है ना, अल्टरनेट कटेगा, बचेगा क्या एन स्क्वायर, कितना होगा ये, ऐसा नहीं कि दो दो चार कर देंगे, चार नहीं कर सकते ना, ऊपर ऊपर मल्टीप्लीमीटर नहीं, ऊपर प्लस होगा ना, तो ये टू बाई टू फोर दे, तो वन बाई एन टू द पावर फोर होगा,
और वैसे ही 16 16 32 थोड़ी करेंगे, ये 1 1 2 बाई 69 स्क्वायर होगा, तो फिर 2 बाई 16 यानी कि 1 बाई 8 एन एन टू द पावर 12, ऐसे सीरीज में जाएगा। यूएन लास्टली इतना सब करने के बाद एन टू द पावर 4 भी हम कॉमन इससे निकाल सकते हैं सारे में से, तो बचेगा 1 प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 4 निकालेंगे ना इससे, तो कितना बनेगा 8 बनेगा ना, 9 10 11 12 हाँ ये बचा लास्टली टर्म। अब इतना होने के बाद कितना 1 बाई एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 8 डॉट 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 जाएगा। यूएन मेरा लास्टली ये टर्म आ रहा, हमको इस टर्म के हिसाब से हमको पता चल रहा कि अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे यूएन ओपन वी एन करेंगे तो वी एन हम वी एन भी हमको 1 बाई एन स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि वी एन हम यहाँ लेंगे 1 बाई एन स्क्वायर तब लिमिट टू इन्फिनिटी यू एन तो जो है 1 बाई एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई 8 एन टू द पावर 8 ठीक है, ये इन्फिनाइट से चलता जाएगा बाय वी एन है 1 बाई एन स्क्वायर, 1 बाई 1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो लिमिट अगर हम यहाँ पुट करेंगे एन इन्फिनिटी तो ये टर्म मेरा सारे के सारे जीरो आ जाएंगे, बचेगा ये 1 वो होगा, ये क्या है ये नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो है और फाइनाइट भी है, तो यानी कि पी टेस्ट जो मेरा वी एन था इसका जो कन्वर्जेंस या इसका जो नेचर होगा वही नेचर यू एन का भी होगा। यू एन का तब क्या नेचर होगा, इसका नेचर तो हमको पी टेस्ट से मालूम है कि ये कन्वर्ज करता है, तो इसीलिए वी एन भी हमारा कन्वर्ज ही करेगा, वी एन क्या है यहाँ पे तो ये सीरीज कन्वर्जेंस करेगा, ये सीरीज कन्वर्ज करेगा, यानी कि यू एन जो है ये सीरीज कैसे बनेगा, ये सीरीज ऐसे बनेगा, वन लेंगे तो बनेगा माइनस रूट प्लस टू, टू के लिए रूट दो लिखेंगे टू द पावर फोर फिर करना होगा, चार सोलह माइनस प्लस एक 17 माइनस रूट 16 माइनस एक 15, इस टाइप से सीरीज बन रहा है, तो प्लस फिर प्लस करेंगे तीन लेंगे, तीन का पावर चार करेंगे, इस टाइप से अगर सीरीज चलता जाएगा मेरा समीशन इन्फिनिटी तक तो वो कन्वर्ज करेगा, हालांकि यही बात है ठीक है।